निकल जा, निकल जा, निकल जा सब। तू भी मार, ये भी मार रहा है, तू भी मार रही है। मार, चल निकल बाहर। अरे तुम्हारी माँ बदतमीज है। हाँ, ये बड़ी होशियार है। बेटा ही नलायका जो नाचने वाली को ले आया। जिस दिन मेरा बेटा, जिस दिन मेरा बेटा देख लेगा ना, मैंने बुलाया, मैंने बुलाया, मैंने बुलाया। तुम निकलो, निकलो घर से बाहर ना, निकलो घर। तेरे जैसी 5-5 हजार में बहुत मिल। चल जा, 10 हजार में नौकरानी रख लेना, ज्यादा ही वो। चल जा पीछे हो, हाथ चाटा लगे। हाँ, ऐसी माँ भी नहीं चाहिए मुझे। हमें भी नहीं ऐसी औलाद चाहिए, भी नहीं चाहिए। क्यों सो नमस्ते दोस्तों, मैं आपका भाई गोल्डन यादव और जब लग सामने कुछ ऐसी प्रॉब्लम लेके आ गया हूँ। ये आंटी ने मुझे कॉल करके बुलाया है और ये आंटी के लड़के हैं, ठीक है। इन्होंने अभी ये डांस वांस में इनको इंटरेस्ट है, इधर उधर मतलब डांस वांस करते हैं, ये काफ़ी कंपटीशन जीत रखे हैं और वहाँ से एक लड़की को पसंद करके घर में लेके आए। आंटी के खिलाफ इन्होंने शादी की है। आंटी जो हो रहा है ना, बताओ एक बार, सामने कैमरा लगा रखा है। कैमरा भाई, पहले कैमरा बंद करवाओ, हमारा पर्सनल मैटर है। कैमरे भी क्यों दिखा रहे हो? क्यों भाई, कैमरा बंद करवाओ ना। क्यों क्यों पर्सनल मैटर है? कैमरा क्यों पर्सनल मैटर है? दुनिया को भी तो पता चलना चाहिए तुम्हारी घरवाली क्या कर रही है। तू चाहती नहीं थी कि हमारी शादी हो? मैं नहीं चाहती थी, घर वाली करती थी उसको। ओ भाई सुन, तो ले कहना क्या चाह रही है, ठीक है? लाती है, सोती है और मुझसे नौकरानी वाले काम करवाती है, जब चाय बनाई है वो। तू बदनाम कर रही है, तू उसे मैं जानबूझ के बदनाम कर रही नहीं रही, तुम्हारी घर वाली तुम्हें दिखाती है कि तेरी मां गलत है। क्यों करा कैमरा बंद? दुनिया को भी तो पता चलना चाहिए ना तुम्हारी घर वाली कितनी वो वैसी है। ये आंटी कैसे, मतलब लड़की से शादी कैसे किया इसने? बेटा इसने मेरे बेटे ने शादी अपनी मर्जी से करी, इसे क्लब वाला डांस करने का शौक है, ठीक है ना। इसकी घरवाली है बदचलन और दूसरे लड़कों को यहाँ लाके इसकी बैक साइड से मेरे पास आती है और जो है दूसरे कमरे में गलत काम करती है मेरे सामने और मेरे से कहती है जा जा ते तेरे बेटे को, तेरे बेटे को दिखाऊंगी, तेरे बेटे से तो मैं झूठा प्यार करती हूँ। चल भाई अभी पता चल जाएगा कि आंटी झूठ बोल रही है कि कौन झूठ बोल रहा है, ठीक है। मैं दिखाई नहीं दे रहा, पत्नी के प्यार में तू अंधा हो रहा है, तेरे पीछे वो सब लड़कों को लाके गलत काम करती है। अब देख घर में तो यही रहती है ना, तू तो बाहर चला जाता है तो सब कुछ तुम्हें क्या पता है? जब तुम अपनी आंखों से देखोगे तब पता चलेगा। अपने आंटी बता दे उसको प्यार करती है, मैं जानता हूँ। हाँ बहुत प्यार है, नहीं रहा प्यार व्यार। तो उसके ना दिन भर में 100 से ऊपर कॉल आते हैं, आंटी ने खुद सारा दिन फोन पे चिपकी रहती है ना, घर का कुछ काम करती है। दोस्त है पर जरूरी नहीं, दोस्त है तो दोस्त दोस्त की तरह यूज करे ना भाई, घर का काम नहीं होता। वो घर में किस लिए आती है दिन भर फोन पे बात करने के लिए? भाई वो छोटे कपड़े पहनती है इसलिए इसको इतनी प्रॉब्लम हो रही है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी तरफ से नंगी घूमे वो ऐसे गलत काम करेगी कौन झेलेगा? किसकी मर्जी से शादी नहीं करी मैंने। अब चुप रह ले, सुन ले, कैमरा सामने लगा रखा, ठीक है भाई। अभी असलियत दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आंटी एक बार ना उस लड़की को कॉल करके बुलाओ, इसके बहू को, ठीक है, कॉल करके बुलाओ और आपको क्या बोलती है, किस तरह से बात करती है ना, वो सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा। तू मेरे साथ साइड में रहियो कैमरे के, ठीक है? ठीक है गाइस, आपने सुन लिया, ठीक है। आंटी परेशान मत हो, रो मत, अभी असलियत सामने आ जाएगी, ठीक है। आपका ही बेटा हो गया, अपने माँ पे ही भरोसा नहीं है तुझे, इतनी पढ़ के वो लड़की हो गई। गाइस ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, लाइव में बने रहना मेरे भाई। इतनी दूर से मुझे क्यों परेशान करके बुलाया भाई यहाँ? अरे बुलाऊंगी नहीं तुम्हें, इतनी धूप हो रही थी, मैं कैसे बुलाऊंगी नहीं। तूने मेरे लड़के की जिंदगी खराब कर दी, अपनी उंगलियों पे नचा रखा है उसे तूने, उसको भी तो पता चलना चाहिए ना तेरी करतूतों का। कौन सी जिंदगी खराब कर दी? तुम्हारे लड़का खुद आया था कोई जबरदस्त? हाँ ठीक कह रहा, तूने अपने जाल में फंसा रखा है ना उसे, तो माँ के ऊपर विश्वास ही नहीं है, उसे तो माँ के ऊपर विश्वास ही नहीं है। वो तो तुम्हारी बातों पर विश्वास, माँ बहुत बढ़िया, जब खुद माँ बनोगी तब पता पड़ेगा औलाद कैसी होती है। ना मांग में सिंदूर भरती हो, ना चूड़ी पहनती हो, ना पायल, ना बिछवे, ना सूट, ना साड़ी, ये बहुएं होती हैं, ये बहुओं के लक्षण होते हैं। अरे ऐसा कैसा मॉडर्न, हमारी भी शादी हुई थी, पूछकर करेंगे क्या? हाँ क्या करेंगे, माँ हो तो माँ के तरीके, हमारे घर में रहना तो बनोगी तो हो ही ना। मेरा तो बहुत सर दर्द हो गया, मैं तो बैठ रही हूँ, तुम्हारी बकवास मैं नहीं सुन सकती। अब क्यों नहीं सुन सकती हो? क्यों नहीं सुन सकती हो? तुम्हारी बकवास सुनने आई? अरे भाई सुनो मेरी बात, अच्छे से रहा करो, अच्छे से रहा करो। कैसे धक्का दे रही है? मेरा लड़का तो तेरे पैर में अंधा हो रहा है भाई, ठीक है ना। मेरा लड़का तो तुम्हारे प्यार में अंधा हो रहा है, देखता तो है नहीं वो, जो तुमने तो उसे बेवकूफ बना रखा, जोरू का गुलाम है वो तो। हाँ बना ले अपना गुलाम, मेरा तो बेटा है ही, मेरा बेटा है, क्यों नहीं रह रहा फिर? उसको पता नहीं है ना तुम्हारी करतूतों का, क्या करती हो। और जिस दिन से
तेरी करतूत हाँ, जिस दिन से वो मेरी करतूत है तमीज में हाँ तहजीब से तुम बात करो ऐसे करती हो हेलो ऐसे ऐसे कैसे बात कर रही हो। फ्रिज में तुमने बियर रख रखी है, अंडा मीट मच्छी ये रख रखे, ये सब चीजें क्या है? दोस्तों को बुला के बियर पीती हो, ये सब ये बहुओं के काम नहीं होते बेटा। करूंगी क्यों करोगी क्यों करोगी क्यों करोगी क्यों करोगी क्यों करोगी तुम भी पी लो। मैं क्यों पीऊँ मैं क्यों पीऊँ क्यों क्यों मेरा घर है, ये मेरा घर है, तेरा घर कब से हो गया? मेरा घर है, उसकी मालिक बन गई। मैं घर की मालिक नहीं हूँ, तू तो नौकर है उस घर की। हाँ ठीक है, वो मेरा बेटा ही अंधा है, तेरे प्यार में काला चश्मा चढ़ा हुआ है उसके। बेटे को समझाना, मुझे भी समझाने आई है। वो बेटे का चश्मा उतर ही जाएगा ना जब वो तुम्हारे जैसी बहू के लक्षण देख लेगा। हाँ बेटे को देख लूंगी, थोड़ी तहजीब से ऐसे बात करते हैं सासू माँ से, ऐसे बात करते हैं। तुझे तहजीब है? मुझे तहजीब है, जभी तो मैं बात कर रही हूँ। तू तो नौकरानी, जब तुमने मेरे बेटे से शादी करी तो सासू ही बनूंगी और क्या बनूंगी। तूने तो मुझे नौकरानी बना दिया। काम किया तुम्हारे दोस्त उस दिन मुझे बाजार में भेज रहे थे, ये लाओ माताजी ये लाओ और ये लाओ, ऐसे अच्छा लगता है क्या? गलती तो तेरी है ना, मेरी काय की गलती है? सामान क्यों नहीं लागे दिया जब वो तुझे बोल रहे थे कि सामान ला दे तो कौन लाएगा? नौकरानी तो तू है ना घर की, लागे देगी? मैं तुम्हारे बाप की नौकर हूँ क्या? क्यों नौकर हूँ? ये घर मेरे पति का है, ये घर मेरे पति का है, ये हरकतें अच्छी नहीं हो रही तुम्हारी, ठीक है ना? मेरे पति का, मेरे पति जिसकी तू पत्नी है ना, जिसकी तू पत्नी है उसके बाप ने बनाया ये मकान, ठीक है ना? प्रूफ है ना? वो मेरा बेटा भी ऐसा ही है ना, घर में रहना है तो तमीज में रहे, नहीं तो तेरे जैसी 5-5 हजार में बहुत मिल। चल ना जा, 10 हजार में नौकरानी रख लेना, ज्यादा ही वो। चल जा पीछे हो, चाटा लगा, तेरा ऐसा चाटा मार दूंगी ना, उठ के पानी भी नहीं पिएगी। चल चल, थोड़ी तहजीब से, यही माँ बापों ने सिखाया, यही पढ़ाई लिखाई है तुम्हारी। नौकरानी एक अपनी लगा लो 10 हजार रुपए महीने में, ठीक है ना? मेरा बेटा ही है, ये मकान मेरा ही है। तेरा क्या चार डलेगा घर में? मैं क्यों करूंगी काम? फ्री का खाना खिलाएंगे? हाँ, फ्री का क्यों खा रही हूँ मैं? फ्री का क्यों खा रही हूँ मैं? फ्री का क्यों खा रही हूँ? फ्री का खा रही है भाई। मेरा बेटा ही ना लाएगा जो नाचने वाली को ले आया। जिस दिन मेरा बेटा, जिस दिन मेरा बेटा देख लेगा ना उस दिन जो है ना उसकी आंखें खुलेंगी, जिस दिन तेरी हरकतें देख लेगा वो, ठीक है ना? तेरे बेटे तू भी एक औरत है, नाचने वाली बोल रही है ना मुझे, नाचने वाली है ही, तूने उसको फंसा रखा, वो आता ही नहीं है, तेरी प्यार के जाल में फंसा पड़ा है। जिस दिन देख लेगा ना वो तेरा जलवा, तुझे तुझे तो निकाल के बाहर फेंक देगा। हमारा घर छोड़ के चली जाओ, क्यों हट जाओ पीछे? नहीं, हम नहीं चाहते तुम हमारे यहाँ रहो, हमें हमारे हाल पे खुश रखो। वहीं रहूंगी, ठीक है ना? हम अपने घर में खुश है, तुम अपने मम्मी के यहाँ चली जाओ, ठीक है ना? वहीं रहूंगी, ठीक है ना? चल चल, कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? देखो यार, मुझे गलत गलत काम करने के लिए बोल, ये देख लिया मैंने, तू क्या कर रही थी मम्मी के साथ? क्या कर रही थी? तू मार रही थी उनको? अरे मैंने कब मारा? तू तड़ाक करके क्यों बात कर रही थी उनसे? कि मैंने तो उनको कुछ तड़ाक करके क्यों बात? ये अपने दोस्तों के साथ बंद कमरे में बैठी रहती है, तेरी आंखों पे बेगुम बना रही है तुझे। घर पे फ्रेंड्स के साथ बंद कमरे में बात नहीं कर सकते क्या हम? अब क्यों करेंगे बंद कमरे में बातें? सामने बैठो ना, दरवाजे क्यों बंद करती है ये? कमरे में बैठने की बात अलग है, दरवाजे क्यों बंद करती है? क्यों करती है? तू ना तुम्हारी माँ से ये तो उसे ही रखो अपने पास, मैं चली जाती हूँ, ठीक है? मैं चली जाती हूँ, इसे ही रखो अपने पास, अगर तुम्हें इसी पे यकीन है तो मैं जा रही हूँ। तुम्हें इस पे ज्यादा यकीन? हाँ। मुझ पे यकीन नहीं है ना, तो मैं जा रही हूँ। गलत 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 है ये। अच्छा रुक जा, पहले बता, मतलब मेरी वैल्यू नहीं है घर में? तुम पे बुढ़ापा नहीं आएगा? अपनी माँ को समझा? सही सही, नहीं तुम पे तो बुढ़ापा नहीं आएगा। तुम पे बुढ़ापा नहीं आएगा, पिघल गया। तुम पे बुढ़ापा नहीं आएगा भाई, वो इसको परेशान करती है तभी वो इतना करती है, परेशान करती है, झूठा नहीं बेटा। मैं मेरी जिंदगी खराब कर दी, परेशान करती है उसको, मुझे पता है ना, तुमने मेरी लाइफ खराब कर दी। सुन, कौन सी लाइफ खराब कर दी? अरे सारा सारा काम मैं करती हूँ, तुम्हारा घर का कपड़ा धोना, बर्तन मांगने, झाड़ू पोछा, मुझे पता है। और अपने दोस्तों को बुलाती है, अच्छा तुझे पता है? ये बियर पीती है, इनकी बातों पे विश्वास है, माँ की बात पे बेटा बिल्कुल विश्वास नहीं है। जो तमाशा का रखा ना तो भाई कैमरा बंद कर दे। क्यों करेगा कैमरा? मैंने बुला रखा है इनको, मैंने बुला रखा है, कैमरा बंद करवा, मैंने बुला रखा है। तुम्हारी बेदखल कर दूंगी, निकलो मेरे घर से, मेरे घर से निकलो। क्यों कैमरा मैंने लगवाया?
मैंने बुलाया, मैंने बुलाया, मैंने बुलाया, तुम निकलो, निकलो घर से बाहर, ना निकलो घर से बाहर, मैं किसी और आश्रम से एक लाना, हाँ मेरी वजह से हो रहा, तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा, तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा, बेदखल कर दिया मैंने, मैंने कैमरा क्यों बंद करा, मैंने बुलाया, हाँ धक्का मत देना, मारूंगी 100 नंबर पे पुलिस को बुला लूंगी। हाँ मैथी बन गया, ये भी हमारा लड़का है। अरे तुम्हारे से तो अच्छा बाहर वाले ठीक है, हाँ चमचे नहीं है बेटे है। सुन ले मेरी बात, आंटी बेदखल करना चाह रही है, ठीक है, इनके नाम से सारी प्रॉपर्टी है, जिसको मर्जी उसको देंगी, चाहे अनाथ आश्रम में कैसे देंगे, देंगे ना, मेरी जायदाद है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं मेरी कोई औलाद नहीं है, अरे ऐसी माँ भी नहीं चाहिए मुझे, हमें भी नहीं ऐसी औलाद चाहिए, ऐसी औलाद मुझे भी नहीं चाहिए, क्यों सही माँ है ना, वो सही कर रहा है, तुम्हारे साथ तुम्हारे साथ ऐसे ही हो रहा है, सब तेरी वजह से हो रहा है, सब तेरी वजह से हो रहा है, सब तेरी वजह से बनवा दिया तमाशा, यहां तमाशा मैं नहीं बना रहा, उसको बीवी बना रही है, तुम भागो, मैं मुझे नहीं चाहिए ऐसी औलाद, माफ करो, भागो यहाँ से, भागो, सुन ले, दोनों को ऊपर करवाऊंगा कंप्लेंट, वो मैडम वो फेसबुक और यूट्यूब पे लाइव जा रहा है, ठीक है, एक एक चीज है, कैमरा बंद करवा, नहीं करवाऊंगा, नहीं करवाऊंगा, मैंने बुलाया इनको, ठीक है, नहीं करवाऊंगा, नहीं करवाऊंगा, तुम्हारी करतूतें पता चलनी चाहिए, इसको तो शर्म आनी चाहिए, सब कुछ देखने के बाद, कैमरा बंद करके सो रही है, तेरी माँ झूठ नहीं बोल रही, ये नालायक है, झूठी है, हाँ झूठी है, ये सच्ची है ना, तुम्हारी तुमने देखा था, हाँ मैंने तो देखा, चीजें बता रखी है, मैंने बुला रखा है, एक बात बता, हाँ? घर में तू बियर पी रही है, अच्छा? उनके साथ सो रही है लड़कों, अच्छा? के साथ क्या है ये, क्या तुमने देखा, तुमने हा? देखा बियर पीते हुए या सोते हुए, ओ भाई तू इसको ये नहीं बोलता कि ये ना सिंदूर लगा रखा है ना कुछ पहनती है, भाई आजकल कवारी ऐसे नहीं रहती है, ऐसे नहीं रहती है लड़कियां, कैसे रहती है, हाँ। इसको भी साथ लेके जाया कर, हाँ। क्यों भाई घर है मेरा, नहीं घर नहीं, मैंने निकाल दिया तुम लोगों को, जायदाद मेरी है, इनका बेटा हूँ, मेरा बेटा, मैंने इनका बेटा हूँ, और सारी प्रॉपर्टी अब मेरे नाम से होगी, जो मेरी सेवा करेगा, जो मेरी सेवा करेगा उसी की जायदाद होगी, क्या हाथ मत उठा, जब अपने बेटे की नहीं हो पाई तो तीरी की, हाँ, भाई हम हो जाएंगे, तू टेंशन ना ले, ठीक है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, दो दिन बाद सुन ले, धक्के, मगर ये तुमसे निकल जा, निकल जा, निकल ये तुमसे अच्छे रहेंगे, एक प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली, क्या दिखाना चाह रहा है, पता चलना चाहिए ना सबको, सबको पता चलना चाहिए उसमें, ठीक है, एक एक चीज रिकॉर्ड हो रहा, निकलो तुम घर से बाहर, निकलो, हाँ करवा दिया, करवा दिया, जाऊंगा पुलिस कंप्लेन करवाऊंगा, तुम्हारे नाम पे कंप्लेन होगी, इसके नाम से, इसके नाम से, हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, बोल दिया तो निकल, निकल इसके साथ, क्या कर लेगा, निकल जाओ, दोनों निकलो घर से बाहर, हाँ अच्छा नहीं, अपने घर को ना, हाँ, अपने पास क्या हुआ तुम था? चार दिन पहले ना, चार दिन पहले इसके दोस्तों ने नौकर बोला था इनको और थप्पड़ से मारा, तब नहीं तुम्हारी इज्जत गई, तब तुम्हारी इज्जत नहीं गई, सामान नहीं ला सकती घर में, क्यों लाऊंगी, आपके नौकर है दोस्त आए हुए हैं, तुम अपनी माँ को बुला ले और घर में रखो, उससे नौकरी वो करवा, अच्छा ठीक है, अपनी माँ से करवा, ये चीजें क्या करेगी, इसे क्या फ्री की रोटी खिलाएंगे हम, ये अपनी माँ से पूछो ना, तेरी माँ तेरे घर में भी तो भाभी होगी ना, क्यों लाई थी शादी करके, पूछो ना क्यों, मैंने लाई, मुझे तो पसंद ही नहीं है ना, वही इसके साथ तू भी चली जा, मुझे तो पसंद ही नहीं है, ये नाच लेगी जा, तेरे यहाँ होता होगा ना तुम्हारे खानदान में ऐसे, हाँ तहजीब से, जब अपने अब ऐसा औलाद ही होगा तो क्या कर सकते, अरे बेटा जब मेरी औलाद ही गंदी निकल गई तो मुझे दूसरों से क्या नाराजगी है, हाँ जब ये नलायकी ऐसे निकल गए, ये बदतमीज है ना, झूठी है तू, हाँ झूठी सही है, कहाँ से झूठी, तुझे इतना बड़ा कर दिया मैंने गन्ने की तरह, घर से बाहर निकल जा, और इसे भी ले जा नाचने वाली को, नाचने वाली कैसे बोल रही है, है ही तो नाचने वाली, कैसे है ही नाचने वाली, महती की नहीं, सही कह रहा, बात कर रही हूँ, हाँ क्या? यही है, तुमसे अच्छे तो बाहर वाले ठीक है, बाहर वाला मैं समझा, तो इनके साथ रह ले, बाहर रह ले, बाहर रह लूंगी ना, घर में क्यों पड़े रहूं, प्रॉब्लम तो तुझे है ना, तो तू निकल घर से बाहर, क्यों मैं क्यों निकलूं भाई, तुझे तुम्हारे पापा ने बनाया क्या ये घर, तो तेरे पापा ने, हाँ मेरे बाप ने बनाया, मेरे बाप ने बनाया, बात कर रही तेरी माँ से, नहीं देख ले, जब तक माँ कोर्ट में लिख के दे देगी ना कि जजाद मेरे साथ तुम्हें नहीं मिलेगा, एज है इनकी बात करने की, ऐसे उसको एज नहीं है, तू तलाक करके बात कर रही है, वो जब ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करे तो वो कैसे कर लेगी, क्यों नहीं करेगी, अरे मैं तेरी माँ हूँ, तूने लुगाई ना देखी है क्या कभी, लुगाई बहुत अच्छी है, हाँ तो चाट लेना, साथ लगा के जाओ, निकला घर से बाहर, तू निकल, आंटी बैठ जाओ, परेशान मत हो, आप बैठ जाओ यहाँ पे, मैं क्यों निकलूं, तुम निकला,
तुमसे ऐसी ही है माँ। घर में दिख मत जियो, घर के दिख मत जियो। से कौन होते बोलने वाले? घर इनका है, किसको रखा? ये लड़का है हमारा, हमारा लड़का है। हाँ देखो, हाँ निकल घर से बाहर। मारा बेशरम कहीं की। मुझे नहीं आती तमीज, को कैमरा लगा रहा तब तक तमीज नहीं आते मुझे। कैमरे के ऊपर उड़ रहा है क्या? कैमरे के ऊपर नहीं उड़ रहा हूँ, ठीक है? वो लेके चलाऊंगा, पुलिस कंप्लेंट कराऊंगा, आंटी को ले जाके। तभी तो इन्हें पता चलेगा। शरीर तोड़ क्यों करेगा ये कैमरा बंद क्यों करेगा? कैमरा पीछे तीन तीन बंदे खड़े हो रखा है, आराम से बात कर रहे हैं ना। कैमरा अगर बंद कर दिया ना दोनों को यही तोड़ूंगा तसल्ली से। फिर मुझे तमीज सिखाएगी तो तू सिखाएगा मुझे? देखो इसे इतनी तहजीब है, कैसे बातें कर रही है तेरे सामने? हाँ मेरी वजह से हो रहा है। निकलो तुम घर से, मुझे नहीं चाहिए औलाद। निकल जा, निकल जा, निकल जा, निकल जा। तू भी मार, ये भी मार रहा है, तू भी मार रही है, मार। चल निकल बाहर। अरे तुम्हारी माँ बदतमीज है। हाँ ये बड़ी होशियार है। चल बेटा मेरे साथ चल, इस कैमरे वीडियो को लेके चल और पुलिस स्टेशन चल इनकी रिपोर्ट करवाने के लिए। इन्हें घर से बाहर निकाल दे। सुन, अगर हाथ मत लगा दिया, अगर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर दी और पुलिस हमारे घर तक आ गई, फिर जो तेरा होगा ना, और तेरा भी हम नहीं मेट लेंगे। निकलो निकलो घर से बाहर, निकलो। पुलिस कंप्लेंट तो करवाऊंगा। ओए मार मत, धमकी मत दे, बोला ना बेटा। हाँ हाँ पुलिस लेके अभी अभी ये वीडियो थाने में जाएगी। तुम लोग घर पे जा रहे हैं ना? पुलिस वाले अभी लेके आ रहा हूँ। आंटी आप चलोगे हमारे साथ? हाँ हाँ बिल्कुल भाई। एक काम करिए, पूरा वीडियो ऑडियो निकाल और पुलिस स्टेशन लेके चल। आंटी बैठो। तो गाइस आपने वीडियो देखकर, वीडियो मैंने सही किया गलत किया कमेंट करके बताना मेरे भाई, ठीक है? देखे थे वो कह रहा कैमरा तोड़ने को, अब मैं क्या ही बताऊँ आपको, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। आंटी ये वीडियो अपने पास पड़ी है, ठीक है? ये लेके चलते हैं थाने में, आप बोल रहे हो थाने चलने को, ठीक? कंप्लेन करोगे? हाँ ठीक है, दोनों के ऊपर कंप्लेन करना जी। और अंदर बिना भिजवा मैं भी आपके साथ हूँ, ये वीडियो अभी सबूत है अपने तौर पे, ठीक है? अभी चलो पुलिस वाले के पास चलते हैं। गाइस ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दो। मैंने गलत किया कि सही किया कमेंट करके बताना मेरे भाई। इतना मतलब बेशरम लड़का था ना, आपने आँखों के सामने ही देखा कि उस वो क्या कर रही है, उसकी बीवी क्या हरकतें कर रही है, लेकिन फिर भी दो मिनट में बदल गया। कोई नहीं, इधर गए होंगे ना, घर ही गए होंगे, बाकी वहाँ चल रहे हैं आंटी के घर पे ही, पुलिस वाले को लेके चल गया। बाकी अब वीडियो को रिकॉर्ड कर चुका तो वीडियो आपको पूरी दिखाऊंगा। बाकी गाइस अब वीडियो में बन रहे हैं, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो मेरे भाई और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और बाकी इंस्टाग्राम की आईडी है जिस पे आंटी ने कॉन्टैक्ट किया था, आप भी इंस्टाग्राम पे आ जाओ, इस गोल्डन प्रैंक के नाम से है, गोल्डन यादव डालते ही आ जाएगी, और उस पे जाके फॉलो कर लो, अपनी प्रॉब्लम बताओ। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो।